मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो टिंडर यूज करती है, उसे टिंडर पे जो मैच मिला था उस इंसान ने 4.5 लाख रुपए का स्कैम कर दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं? लगभग 1-1.5 महीने पहले उसका एक मैच हुआ मुंबई बेस्ड इंसान के साथ में, जो क्लेम करता था वो लंदन में रहता है। फिर क्या हुआ? अब जैसा होता है उनकी टिंडर पे काफी स्वीट स्वीट सी चैटें हुई, वो चैटें व्हाट्सएप चैटें में कन्वर्ट हो गई। अब वो व्हाट्सएप चैटें कब प्यार में तब्दील हो गई उसे पता भी नहीं लगा। अब जब हाँ व्हाट्सएप पे प्यार हो चुका था तो मिलने की जो आशा थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी, तो उसने मिलने की इच्छा एक्सप्रेस कर दी। तो उसने बोला मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए बैंगलोर आने वाला हूँ वाया दुबई। अब उसके ट्रैवल के दिन कुछ ही घंटों बाद में मेरी फ्रेंड को एक कॉल आता है एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिशियल का, जो एक्चुअली में फेक था, और उसने बोला कि ये जो इंसान है वो मुंबई वाला बंदा, उसको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसके पास में कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे और कुछ पैसा था, और वहां से उसको निकलने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है जो ऑफिशियल फीस के तौर पे डिपॉजिट किया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं छोड़ा जाएगा। फ्रेंड ने सोचा कि यार वो मेरी वजह से ट्रैवल कर रहा था, उसने पूछा कितना अमाउंट है तो वहां बोला गया 68-70,000 के आसपास। तो प्यार में अंधे होने के कारण उसने सोचा यार मेरे से मिलने आ रहा था तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है, अदरवाइज वो काफी परेशान हो जाएगा। तो उसने उस ऑफिशियल के अकाउंट डिटेल पे पैसा ट्रांसफर कर दिया। पैसा ट्रांसफर करने के कुछ देर बाद में दोबारा एक कॉल आया, उसने बोला कि आपको 1.8 लाख की फीस देनी होगी और एडिशनल 2.06 लाख देने होंगे एज प्रोसेसिंग फी। अब वो इतनी अंधी थी कि उसने वो पैसा भी डिपॉजिट कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो इंसान जिससे वो प्यार करने लगी है वो फ्री हो जाए। पर इसी के बाद में उसे दोबारा एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि उसको 6 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे एज GST। तब उसके दिमाग में थोड़ा सा लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एंड देन व्हाट हैपेंड इज जिससे मैच हुआ था उस बंदे का टिंडर प्रोफाइल डिलीट हो चुका था, उसका व्हाट्सएप का मैसेज उसको ब्लॉक कर चुका था और उसके पास में उस इंसान को कांटेक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं था। इनफैक्ट जिस ऑफिशियल से कॉल भी आया था उसका भी नंबर वो ब्लॉक हो चुका था और अल्टीमेटली उसके 4.5 लाख के आसपास पैसे जा चुके थे। और फिर उसके दिमाग में बत्ती जगी प्यार का जो दिया कम हुआ उसके बाद में कि भाई मेरे साथ में स्कैम हो चुका है, एंड देन शी इमीडिएटली कॉन्टेक्टेड द पुलिस। और अब जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी फिलहाल के लिए चल रही है, पर द चांसेस ऑफ हर गेटिंग हर मनी बैक इज ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे मैं क्लियरली बताना चाहूंगा ये मेरी किसी फ्रेंड की कहानी नहीं है, दिस इज समथिंग विच एक्चुअली हैपेंड, जो एक रिपोर्टेड केस है बैंगलोर के व्हाइटफील्ड एरिया की एक महिला जो 37 इयर्स की है जिसके साथ में टिंडर के ही मैच जो एक फेक प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ था उसने ऐसा स्कैम किया। और ये पर्टिकुलर स्कैम इतना ज्यादा कॉमन हो गया है आजकल की अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली फॉलिंग इन टू दिस। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी इफ इन केस वी आर समवन जो टिंडर यूज करते हैं। पहली चीज, ये लोग उन लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं जो अधेड़ उम्र के होते हैं, यानी कि समवन हु इज 32-34 प्लस, क्योंकि देखो उनके होमवर्क के हिसाब से ये ऐसी एज होती है जहां पे दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि वो अपने काम पे फोकस करेंगे या फिर पुराने रिलेशनशिप से वो लोग थक हार चुके हैं, दे एक्चुअली वांट टू लिव द लाइफ विद समवन वेरी स्पेशल। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है एक सही इंसान ढूंढने की बहुत हाई होती है, और जब इनको सही इंसान मिलता है तो इनको उनसे प्यार हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि हाँ ये मुझे सही इंसान मिला है, भले काफी लेट मिला है पर हाँ अब मुझे सही इंसान मिल चुका है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। दूसरी चीज, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप वेरीफाई करें अपने जितने भी मैच होते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक फर्दर बैकग्राउंड चेक जरूर करें, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं करें अंटिल यू एक्चुअली नो द पर्सन वेरी वेरी वेल इन रियल, कहां रहता है कहां काम करता है, हर चीज का वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वेरीफाइड टिक वेरीफाइड प्रोफाइल होने के बाद में भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये चीज करने के लिए, क्योंकि यहां पे टिंडर बंबल जितने भी यहां पे डेटिंग एप्स हैं वेबसाइट्स हैं वहां पे वेरिफिकेशन चीज होना भी काफी सारे केसेस में फेक हो जाती है। और तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको जहां पे पैसा नाम की चीज बीच में आ जाती है वहां पे आपको एक कदम पीछे रहना। मैं ये नहीं बोलता आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है, पर यू रियली डू नॉट हैव टू हेल्प समवन जब तक आपके उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस तरीके की चीजें अब्रप्टली होना आई नो आई अंडरस्टैंड काफी सारे सिचुएशन में आप ज्यादा सोच नहीं पाते और आप चाहते हैं किसी इंसान को जेन्युइनली हेल्प करना, पर जिस तरीके की दुनिया में हम अभी रह रहे हैं वहां पे ये सभी चीजें होना काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इस वजह से हजार बार करोड़ों बार सोचें उस चीज के ऊपर, अपने आप को स्कैम से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारी बात आप अपने इनर सेल्फ को खो देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दी स्कैमर्स आउट देयर जो आपको अंदर से हिला के रख देते हैं। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो के थ्रू मैं यही चीज कन्वे करना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है इन सभी चीजों से, अपने आसपास होते हुए स्कैम से,
आपको लड़ना है। अगर आपके साथ में ऐसी कभी कोई चीज़ होती है तो आपको लोगों के साथ में शेयर करना है इन प्लेस ऑफ बीइंग क्वाइट। अगर आप एनोनिमस होकर भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कहीं पे, वो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करेगा। और वही इंटेंशन मेरा है कि मैं ये सारे स्कैम्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता रहूँ कि ऐसा होता रहता है, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।